आज हम आपके लिए तुर्किश की मिठाई रेसिपी लेकर आए हैं। आटा 1 कप, चीनी आधा चम्मच, नमक की ज़रूरत, हैमरा 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, फिर 1 चम्मच ऑयल डाल दें, नीम गरम दूध आधा कप डाल दें, अच्छी तरह गूंद कर इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रखें। प्याज 1 कप बारीक कटा हुआ, लहसुन 1 चम्मच बारीक कटी हुई डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। चाट मसाला 1 चम्मच, 1 या 2 हरी मिर्च, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक की ज़रूरत। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर अलग बर्तन में 1.5 किलो कीमा लेकर इस पर 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ, ग्रेंड किया हुआ आलू डाल लें, फिर इसमें प्याज का बनाया हुआ मसाला मिक्स करें। अब आटे से गोल से टिकिया बना लें। और इससे रोटी बना लें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको हमारी तुर्किश की मिठाई की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। अब इस पे मक्खन लगा लें और फिर कीमा और चीज़ डाल दें और इसको हाथों की मदद से बंद कर दें। ऊपर से ब्रश की मदद से अंडा लगाइए। अब ओवन में 25 मिनट तक पकाएं। कमेंट्स करके ज़रूर